नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषिका मिश्रा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिरसा ब्लॉक के ग्राम बिलाल कसा दरकसा में हथियार से लैस 6 से 7 नक्सलियों ने तेंदुपत्ता फड़ी जलाकर इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों द्वारा 22 मई की रात तकरीबन 11 बजे तेंदुपत्ता संग्रहण करता सोए हुए मजदूरों को जगाकर उनके मोबाइल मांग कर नक्सलियों ने दरकसा बिलाल कसा भाग 2 के तेंदुपत्ता फड़ी को आग के हवाले कर दिया। बाद में रात के तकरीबन 12:30 में मजदूरों के मोबाइल वापस कर वो लोग घटनास्थल से चले गए। उक्त तेंदुपत्ता आगजनी की घटना में तकरीबन 35 से 37 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर एक पर्चा भी मिला है जो लाल स्याही के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की मदद से तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले ठेकेदार और मैनेजर के लिए ये तो सिर्फ परिणाम है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो ये जगह है इसके बारे में बताइए। ये गैंग वाले यहाँ सोए थे, एक गैंग यहाँ और एक गैंग वहाँ थे। उसके बाद में भैया के यहाँ आराम किया। रात में कितने बजे की बात है? ये 11 बजे की बात, तकरीबन 1 घंटे गैंग वाले आए जगाने की, इधर आओ ऐसे बोले, पर पता ही नहीं कुछ। आज सुबह जानकारी मिली कि लांजी क्षेत्र में 2 तेंदुपत्ता फड़ों में कल रात नक्सलियों द्वारा आग लगाई गई है। बिलाल कसा और सोनपुर की तेंदुपत्ता फड़ समितियाँ हैं, तेंदुपत्ता फड़ है। इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है थाने स्तर पर वो दोनों कर ही रहे हैं, पर इसे स्पष्ट पता चल रहा है कि पिछले 3 वर्षों से जो नक्सलियों को जो इलीगल लेवी की कलेक्शन है, इनका अवैध वसूली का बहुत बड़ा साधन तेंदुपत्ता के माध्यम से हुआ करता था। पिछले 10 दिनों में हमने लगभग 180 तेंदुपत्ता फड़ों में सर्चिंग कराई, मतलब प्रतिदिन हमारी टीम्स लगभग 18 फड़ों में जा रही है, वहाँ के लोगों से मिल रही है, वहाँ के फड़ मुंशियों से बात कर रही है, उन्हें अपना आश्वासन दे रही है, अपने फ़ोन नंबर शेयर करके आ रही है, जिसके कारण नक्सली काफ़ी बौखलाए हुए स्पष्ट पता चल रहा है। और मुझे लगता है ये उनकी हताशा का एक प्रमाण है, क्योंकि वो कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया है और एक बार फिर से अपने आप को प्रूव किया है कि वो ग्रामीणों का किसी तरह से भी हितैषी नहीं है। ये वही तेंदुपत्ता है जो ग्रामीणों ने रात में 3-3, 2-2 बजे जग कर तोड़ा है, और उनकी मेहनत पे इस तरह से आग लगाना उनकी उनका असली चेहरा हो जाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।